क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा इसे रूस की सबसे बड़ी नाकामी कहा जा रहा है। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में कितनी तबाही मची है, अब तस्वीरों के जरिए आप देखिए। रूसी नेवी का गाइडेड मिसाइल क्रूजर जब यूक्रेनी हमले में तबाह हो गया, तब पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और ज्यादा तेज करने का आदेश दिया। जब मॉस्कवा के डूब जाने के बाद रूसी सेना पर दुनिया भर में सवाल उठने लगे, तब पुतिन ने रूसी सेनाओं को ऑपरेशन बिस्तरों का ऑर्डर दिया। ऑपरेशन बिस्तरों में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन में पश्चिम से लेकर पूरब तक रूसी सेनाओं के हमले में अचानक तेजी आई। रूसी हमलों के तेज होने का सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन के शहरों में और ज्यादा तबाही, जान माल का और ज्यादा नुकसान। 54 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन का हाल क्या हो गया है आपको दिखा दें। ये दोनों ही तस्वीरें चेर्निहिव की, जंग के बाद हर तरफ बर्बादी दिख रही है, इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। जबकि जंग के पहले चेर्निहिव एक खुशहाल और चमकदार शहर हुआ करता था। युद्ध किस तरह 30 साल की मेहनत को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, चेर्निहिव इसका जीता जागता सबूत है। एक तरफ बर्बादी है, दहशत है, मौत है, तो दूसरी तरफ ठीक 54 दिन पहले का चेर्निहिव है जो विकसित था, निडर था, जिंदगी से भरपूर था। ड्रोन से बनाए इस वीडियो में भी चेर्निहिव की तबाही साफ दिख रही है। एक हंसता खेलता शहर किस तरह युद्ध की भेंट चढ़ गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन के शहरों के तबाह होने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये तस्वीरें खार्किव की है। खार्किव के करीब करीब सभी हिस्सों पर इस वक्त रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उनकी यूक्रेनी सेना से भयंकर लड़ाई अभी जारी है। खार्किव की रिहायशी इमारतों को देखने से पता चल रहा है कि रूसी सेना ने कितना जोरदार हमला किया होगा। 5 लोगों की इसमें मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हैं। ये तस्वीरें रूसी हमले के फौरन बाद की है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमले के बीच राहत और बचाव भी चल रहा था, लोग जहां तहां घायल पड़े हुए थे। आसमान में रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज गूंज रही थी। बमों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था, लेकिन उन सब के बावजूद फायर फाइटर्स लोगों को बचाने में लगे रहे, मेडिक्स उनके इलाज में जुटे रहे। इस हमले में कुछ तो जान बचाने में कामयाब हो गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल थी जिसे बचाया नहीं जा सका। ABP News, आपको रखे आगे।